हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे उपमा रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये हमारे वेट लॉस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उपमा हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये हमारा वेट लॉस करने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाता है, जिससे हमारा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये हमारे एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और हमारे स्टमक को काफ़ी टाइम तक फुलफिल करता है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स यूज़ करी है जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कटोरी सूजी रवा लिया है, एक कटोरी मूंगफली, एक गाजर, एक टमाटर, थोड़ी सी मटर और थोड़ी सी बीन्स। तो यहाँ पर हम जो हमारी बीन्स हैं उन्हें कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम उनके ऊपर नीचे का जो पार्ट है उन्हें अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें कट कर लेंगे। बीन्स में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, जिससे हमारे वेट लॉस में हमें हेल्प मिलती है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती है। तो यहाँ पर अपनी सारी जो हमारी बीन्स थी उन्हें इकट्ठा कर लेंगे एंड देन हम इन्हें कट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और यदि आप इसे किसी और टाइप से कट करते हैं तो आप उस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कट कर लें। तो हमारी बीन्स कट हो चुकी है, हम अपने यहाँ पर गाजर लेंगे और इसके ऊपर नीचे का पार्ट निकाल के इसके छिलके उन्हें छील लेंगे। गाजर हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और ये हमारी आइज के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिनकी आइज वीक होती है उन्हें गाजर जरूर खानी चाहिए और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, जो कि हमारी वीक लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर हमने अपनी गाजर भी कट कर ली है, इसके बाद हम जो अपना टमाटर है उसे कट कर लेंगे। टमाटर हमारी वेट लॉस में हेल्प करता है, ये हमारे स्वाद को भी बढ़ाता है और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पर हमारे टमाटर कट हो चुके हैं और जो हमारी लास्ट वेजिटेबल है वो है मटर। तो मटर को जो हम उसे छील लेंगे और जो उसके अंदर के दाने होते हैं उन्हें निकाल लेंगे अपनी प्लेट में, जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। मटर हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसमें विटामिन के की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए हमें इसे बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। यदि हम इसे अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करेंगे तो ये हमारी बॉडी में विटामिन के की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में थोड़ा गर्म किया उसे और उसमें जो हमने सूजी लिया है वो हमने भून ली। यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी ली थी, इसे हमने मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है और इसे हल्का हल्का भूनते रहना है। जब ये हल्की सी गोल्डन हो जाए तब इसे अपनी प्लेट में सर्व कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब इसके बाद हम कढ़ाई को अपनी खाली कर लेंगे इसी तरह से। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, यहाँ पे आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे और यहाँ पर हमने थोड़ी सी राई ऐड की है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा तड़कने देना है। इसके बाद हम इसमें जो हमने मूंगफली ली थी वो हम डाल देंगे, हमने जितनी मूंगफली ली थी उनका आधा हमने इसमें डाला है। हम इसे अच्छे से थोड़ी क्रंची होने देंगे यानी भुनने देंगे। इसके बाद जो भी हमने वेजिटेबल्स लिए थे वो हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। पहले हमने टमाटर डाला है और आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी बिल्कुल मिर्ची डाली हमने इसमें। इसके बाद हमने इसमें जो हमने और वेजिटेबल्स लिए थे वो भी हमने सारे ऐड कर दिए हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें आधी कटोरी डाल के पानी हमने इसे थोड़ा सा पका लेना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हम इसे पका लेंगे अच्छे से, यह हमें मीडियम फ्लेम पर करना है, ये ध्यान रखें। इसके बाद जो हमारी सूजी है वो हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जितनी एक कटोरी, जिस कटोरी में हमने सूजी ली थी, हमने उसी कटोरी से 4.5 कटोरी हमने पानी डाला। इसे ढक के 5 मिनट पका लिया और तब हमारा उपमा तैयार है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा उपमा कि यहाँ पर हमारा उपमा बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको इसे पानी डालने के बाद 5 मिनट तक के लिए ढक के पकाना है मीडियम फ्लेम पर, और जब तक इसका पानी नहीं सूख लेता तब तक इसे चलाते रहना है। अब हमारा उपमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मूंगफली और ऐड करी है, मूंगफली और थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने इसमें ऐड किया है। आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, यह आपके स्टमक को काफ़ी टाइम तक फुलफिल करेगा और आपकी वेट लॉस जर्नी को हेल्दी और टेस्टी बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट भी करके आपको और किस टाइप के टॉपिक्स चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।